हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपके एग्जामिनेशन को और ज्यादा हलवा क्लियर करने के लिए आज मैं आपको बुक्स बताऊंगी, ठीक है। और ये जो वीडियो होगी ये टारगेट करेगी आपके फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर। अलग अलग भी मैं बना सकती थी, बट व्हाट्स द पॉइंट, ठीक है। एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन कौन सी बुक लेकर के आनी है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर काफी ज्यादा क्रूशियल सेमेस्टर है और बच्चे काफी ज्यादा जोर शोर से पढ़ते हैं इसमें। और यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दिया गया है सारी लोअर बॉटनी। तो लोअर बॉटनी के लिए द बेस्ट बुक फॉर द बॉटनी इज दिस, एंड यू ऑल आर अवेयर विद दिस बुक, ठीक है। सभी को पता है सिंह पांडे जैन की ये जो टेक्स्ट बुक है बॉटनी की, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक इन आवर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ये इतनी मोटी बुक है बट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा यूजफुल है। तो ये बुक आपको खरीदनी है फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी। सेकेंड जो जुआलॉजी की बुक है वो मैं आपको दो बुक ऐसी बता रही हूँ जो अगर आप खरीद लेते हो तो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी के सभी आपके यूनिट्स उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। इस बुक के अलावा आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, लेट मी कीप इट असाइड। देखिए, लाइफ साइंस दिस इज द बुक, ठीक है, फोकस जा रहा है, दिस इज द बुक। ये बुक आपको खरीदनी है। लाइफ साइंस की ये जो बुक है ये आपके फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस की बुक है। मेरे पास 8 एडिशन है इसकी, और इसके जो राइटर है वो है प्रणव कुमार एंड उषा मीना, ठीक है। बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट बुक इफ यू आर इन ग्रेजुएशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नेट, दिस इज द बेस्ट बुक, ठीक है। तो आप ये बुक ले सकते हो। और इस बुक में दोनों लोगों की बात की है, ये दो एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। दिस इज द पार्ट सेकेंड एंड दिस इज द पार्ट वन। और ये दो बुक अगर आप ले लेते हो, कभी कभी ऑफर आता है, ठीक है। जैसे ये बुक आपको अगर ऑनलाइन करनी है तो 1,000-1,500 के बीच में ही आपको बुक पड़ जाएगी, ठीक है। कभी कभी ऑफर आता है जिसमें इस बुक का प्राइस काफी डाउन हो जाता है, तो चेक करते रहना। अगर कभी मुझे मिला कि काफी डाउन है तो मैं टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगी। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहो तो प्लीज कर लो, काफी ज्यादा वहां इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। तो अगर इसका प्राइस ड्रॉप होता है तो मैं आपको बताऊंगी। ये दो बुक अगर आप खरीद लेते हो लाइफ टाइम की, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, लाइफ साइंस की बुक है फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस रिटन बाय प्रणव कुमार एंड उषा मीना, ठीक है। तो ये जो दो बुक्स है आपको खरीदना है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। इसके कंटेंट की मैं बात करूं तो आपके ऑलमोस्ट जितने भी कंटेंट है, पार्ट वन में आप देखोगे बायोमोलिक्यूल्स एंड कैटालिसिस, ठीक है। उसके अलावा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर 3 है आपका, जो कि आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा चैप्टर 2 जो है वो बायो एनर्जेटिक एंड मेटाबॉलिज्म है, जिसमें आप पूरा का पूरा प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह है वो कंप्लीट कर लोगे। इम्यूनोलॉजी है अगेन इम्पॉर्टेंट, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पार्ट सेकेंड में क्या क्या बात की गई है, तो पार्ट सेकेंड में आपको देखने को मिलेगा जेनेटिक, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में यूज आएगा जेनेटिक, उसके लिए भी मैं बता रही हूँ। और सेकेंड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक। ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है। तो अगर ये दो बुक आप खरीद लेते हो आपका पूरा का पूरा ग्रेजुएशन की जुआलॉजी बल्ले बल्ले, ठीक है, एकदम हलवा क्लियर। उसके बाद दिस इज द फर्स्ट सेमेस्टर थिंग, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में केवल आप ये 3 बुक खरीदो। मेरे पास इतनी सारी अभी बुक है ना, वो भी इतनी भारी भारी, इतनी मोटी बुक है, मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। ये खरीदना है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, ये 3। ओके, अभी ये जो जुआलॉजी वाली बुक है ना, ये सारे सेमेस्टर में आएगी। थर्ड सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है टैक्सोनॉमी, द हार्ट ऑफ माई, वैसे तो मुझे बॉटनी में सब पता है, मैं सब में बोलती रहती हूँ, ठीक है। देखिए, आपका जो एंजियोस्पर्म है उसमें आपको एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के बारे में पढ़ना है, रनकुलेसी, सेपावरेसी, ब्रैसिकेसी, स्ट्रोफुलरेसी, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फैमिलीज हैं, उन सभी फैमिलीज का भंडार ये रहा, ठीक है। ग्रेजुएशन की जितनी फैमिलीज हैं सबका भंडार ये बुक लेकर के घूमता है। एंड दिस इज द बुक, अ टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी एंजियोस्पर्म, दिखने में कुछ ऐसा है। अगेन द राइटर इज सिंह पांडे जैन एंड हाईली रिकमेंडेड बाई द प्रोफेसर, ठीक है, काफी ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, ये सब प्रोफेसर के द्वारा ही रिकमेंड किया गया है। ये दो बुक्स मैंने थोड़ा अपने आप से देख समझ के खरीदी थी और काफी 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 अच्छी बुक है, ठीक है। अच्छा, इस बुक की मैं बात करूँ तो ये आपको बहुत सारी चीजें बताएगा, आपके फोर्थ सेमेस्टर में भी ये काम आएगा, ठीक है। और इसमें आपको रेनकुलेसी जैसी फैमिली, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द रेनकुलेसी एंड एंडिंग विद द पोएसी फैमिली, ठीक है, यहाँ पर आपको चीजें मिल जाएंगी। और दिस इज अगेन द बेस्ट बुक फॉर थर्ड सेमेस्टर, ये आपको खरीदना है। एंड फॉर जुअलॉजी अगेन दिस, ओके, ये खरीद के एकदम काम ही खत्म करो, कोई दिक्कत ही नहीं है।
एंड फिफ्थ सेमेस्टर में आपको जो बुक खरीदनी है वो है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ बॉटनी की। बॉटनी में क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी है। और क्या अभी आपको याद आया कि प्लांट फिजियोलॉजी मैंने किस बुक में बोला? अगेन द लाइफ साइंस बुक। तो प्लांट फिजियोलॉजी आप इस बुक से बहुत ही इजीली पढ़ सकते हो। कौन सी बुक? यही प्रणव कुमार एंड आपकी उषा मीना, ठीक है। ये जो लाइफ साइंस की बुक है इसमें आप प्लांट फिजियोलॉजी काफी आसानी से पढ़ लोगे, जेनेटिक्स काफी आसानी से पढ़ लोगे। द मेजर पार्ट इज योर इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, इन दो के लिए दिस बुक द कोट पाल बुक हाईली रिकमेंडेड बाय द प्रोफेशनल एंड वेरी यूजफुल, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये जो आपके आर एन कोटपाल हैं, दिस इज द वर्टिब्रेट बुक एंड दिस इज द इनवर्टिब्रेट बुक, जो कि बिल्कुल भी सही अवस्था में नहीं है। मैंने इसको काफ़ी सारे पार्ट में कर दिया है क्योंकि इतनी बुक मोटी है और एक बार में इसे पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो छोटा छोटा पोर्शन बाहर निकाल के पढ़ लो। ओके, तो ये इनवर्टिब्रेट की बुक है आर एन कोटपाल एंड दिस इज वर्टिब्रेट बुक आपका जो है आरएल कोटपाल। इनवर्टिब्रेट में आप वही है जितना लोअर जुआलॉजी में यूक्लिना पैरामीशियम इन सब की बात करोगे, ठीक है। और इसमें जो वर्टिब्रेट है इसमें आप बेलानोग्लॉसिस वगैरह हो गया, हेमिकॉर्डिट्स में आप हर्डमानिया, ब्रैंकियोस्टोमा, ये सब चीजें हो गए। तो दीज आर सम बुक्स जो आपको याद करना है, रखना है आपके पास। और अगर आप बुक नहीं भी लेते हो, आप मेरे चैनल से जुड़े हो, तो आपको ज़्यादा बुक्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं खुद भी इन सभी बुक्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और मेरे नोट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटेंट ऑथेंटिक आपको देना है। तो आप बस फर्स्ट सेमेस्टर में सिंह पांडे जैन की बुक लीजिए बॉटनी के लिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, एंड आपको लाइफ साइंस की जुअलॉजी की बुक फॉर ऑल सेमेस्टर खरीदना है, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो फैमिलीज हैं उसके लिए आप अगेन सिंह पांडे जैन, एंड जुअलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट के लिए आपको लेना है आर एल कोटपाल। बस दैट्स एनफ। इसके अलावा आपको कोई बुक आई डोंट थिंक सो कि आपको लेना पड़ेगा इन द होल ग्रेजुएशन। ये सिर्फ फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड फिफ्थ की बात नहीं कर रही, वो होल ग्रेजुएशन में अगेन जब बात करूंगी। कुछ कुछ बुक्स जो हैं वो अलग किसी किसी सेमेस्टर में पढ़ जाती हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगी जब वो सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ का मैं अपलोड करूंगी, तो मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, दीज आर द बुक व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आपको यहाँ पे चार्ट नजर आ रहा होगा। शॉर्ट ले लीजिए, जाइएगा, अगर आप गोरखपुर के साइड रह रहे हैं तो बख्शीपुर में आप जाएंगे, सेकंड हैंड बुक भी अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सेकंड हैंड बुक ले लीजिए, बस काम खत्म। फर्स्ट सेमेस्टर में है तो अभी जाइए सेकंड हैंड बुक खरीदिए और काफी अच्छे से अपनी पढ़ाई को एक नया रास्ता दीजिए इस बुक के साथ। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज भूलिएगा नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये बहुत सारे हलवा क्लियर वीडियोस आपको प्रोवाइड करती हैं जो आपकी ग्रेजुएशन की जर्नी को भी हलवा क्लियर करती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड इन सभी बुक्स को, ये जितनी भी बुक्स हैं इन सभी को आपको खरीदना है। ओके, और हाँ, घबराइएगा नहीं, मैं नोट्स बनाना भी आपको सिखाऊंगी, जितना भी नोट्स बनाने का प्रोसेस होता है वो मैं आपको सिखाऊंगी, मैं अपने नोट्स आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं उस वीडियो में, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।